अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तंजीम नगर खजराना से मुर्गी केंद्र से हैं। हम टोटल 35 इंसान हैं। 35 मेरा पर हमको एडिशनल एसपी हमारे घर के पास में पॉजिटिव पाया गया था, सरफराज अली का लड़का। उसके कारण हमें एडिशनल एसपी हमारे वहाँ आए थे, उन्होंने हमको समझाया कि ये हम लोगों के लिए अच्छा है। हम सब इकट्ठे होके मोहल्ले वाले यहाँ आए, हमें प्रेसिडेंट होटल में रखा गया है। और हमने किसी लोगों से सुना है कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, इसी में खजराने के कुछ व्यक्तियों ने दूसरों ने डाला है। ये गलत बात है बिल्कुल। ये देखिए, हमें दो ही टाइम हमारे घर से अच्छा खाना मिल रहा है, हमें नाश्ता अच्छा मिल रहा है। हमारे हारून लीडर, हमारे अशफाक लीडर खजराने के शेख हारून, शेख अशफाक, उनके द्वारा हम यहाँ आए थे। वो हमारी पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरी पुलिस हमारे समर्थन में है, हमारा बहुत अच्छे से चेकअप किया गया है। हमको जो चीज की प्रॉब्लम होती है हम नीचे जाकर बोलते हैं, हमको वो चीज अवेलेबल कराई जाती है। हम लोग जैसा सर ने हमको बोला था, एडिशनल एसपी सर ने हमको जो बोला था कि आपको इतनी फैसिलिटी मिलेगी, हमें उससे ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है। हम किसी को बदनाम करना नहीं चाहते हैं। और बिल्कुल देखिए, हमें इतने प्यारे रूम में ठहराया गया है। गरीब व्यक्ति ने तो कभी ऐसा रूम नहीं देखा होगा, ऐसी होटल नहीं देखी होगी जिस होटल में हमें ठहराया गया है। देखिए आप बेडरूम वगैरह सब पता। ये खाना एक्स्ट्रा लेके आए हमने, बताओ पूरा बताओ। ये देखिए आप, इतना प्यारे होटल में हमको ठहराया गया है, जैसा सर ने हमको बोला था। हमारे साथ उससे अच्छा व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ कोई भद्द व्यवहार नहीं हो रहा है। हमको नाश्ता टाइम से दिया जा रहा है, खाना टाइम से दिया जा रहा है। हम बहुत अच्छे हैं। देख ही सकते हैं आपको उन कमरों में ले जाया जा रहा है कि हम आपको तंजीम नगर के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। ये देखिए, दो व्यक्ति को पर्सनल रूम दिया गया है। ये देखिए, आपको खाना नहीं मिला, अच्छा खाना मिला है। आप इन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं कि इनको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। सुबह चाय नाश्ता सब आ रहा है। आपने को कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत अच्छा। आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ भी लग रहा है? बहुत बढ़िया है। ले आते हैं हमारे सामने इनके तालिब भाई, आदिल भाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। रानी बुटीक के और बब्बू अंकल के खुद जवाई है, उनके ब्रदर है, इनसे भी पूछ लीजिए। आप बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम, जो बोला वही सब हुआ है। चलो नेक्स्ट कमरा चलो, मैं पूरे कमरे आपको दिखाऊंगी तंजीम नगर के। हमारे वहाँ के सदर जो हमको सर लेकर आए थे, हम बहुत अच्छे थे, बहुत सुकून से, हम हमारे घर से अच्छे यहाँ है। सारे कमरे में आपको सीख लगाती हूँ, आप देखिए। आगे 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 आगे, इसमें अभी कोई नहीं है। आगे ये देखिए, नाम बोलो कौन है? नाम बोलो। हाँ आपका नाम? ये देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ? हम अच्छे से भाई, हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली, हमारे मोहल्ले वाले हैं, हमारे अरुण भाई, जावेद भाई, आशु भाजी, हम सबको लेके आई है। मैं फिर चल नहीं सकता। आपको ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ खाने में परेशानी आ रही है? आपको व्यवस्थित इसकी चीज में नहीं रखा जा रहा है? खाना भी तो अच्छा, थोड़ा टाइम खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, नाश्ता मिल रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, सबको एक जैसा कमरे में रखा है, एक हॉल, एक बेडरूम, देख सकते सबको एक जैसा कमरा मिला है। किसी के साथ ऐसा नहीं कि यहाँ कि वो वहाँ रहेगा। आइए आपको दूसरे कमरे में ले आते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे पड़ोसी हैं। चचा अपने को कोई प्रॉब्लम है? आपका नाम बताइए पहले। आपका नाम बताइए, कहाँ से? तंजीम नगर खजराना। आपको यहाँ आए को कितने दिन हो चुके हैं? अपने को कोई प्रॉब्लम है खाने में? अपन जो बोल रहे हैं वही दे रहे हैं ना अपने को? इनको भी वही बेडरूम और वही, हमसे भेदभाव भी नहीं रखा गया है। केवल एक रूम में दो व्यक्ति है, इसमें कौन है? इसमें कोई भी नहीं है। ये देखिए, हमारे वहाँ के, हमारी गली के, हमारी चाची है। ये देखिए, आपको कोई परेशानी है खाने में? ये खाना खाते देखिए, इन्हें अपने घर से अच्छा रह रहा। ये भी हमारे तंजीम नगर मुर्गी केंद्र का, आपका नाम बतलाइए। आपको यहाँ पर आए को कितने दिन हो चुके हैं? आपको यहाँ पर आने के बाद अभी तक खाने में या किसी चीज में रहने में कुछ परेशानी आई है? इनका भी कमरा एक जैसा, चलो इधर आओ। ये यूपी के हैं।
चलो ये देखिए, ये भी तंजीम नगर मुर्गी केंद्र से, नाम बताओ जनाब। आपको खाने में कोई परेशानी है किसी भी चीज में? हमको कोई चीज की दिक्कत नहीं है, हर चीज की व्यवस्था है यहाँ पे। ये देखिए दो पैकेट रखा हुआ है, एक दो आदमी है तो उनके लिए दो पैकेट, और मानते तो और देते हैं। हाँ, एक आदमी के लिए एक पैकेट, ये हमारे लिए, ये हमारे घरवाले के लिए। यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, इनका भी कमरा सेम है? हाँ, हर इंसान का कमरा यहाँ पर सेम है, ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं है कि जैसे इनके वहाँ ऐसा रखा है इनके वहाँ ऐसा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी खजराना मुर्गी केंद्र से है। आपको आरिफ भाई कोई परेशानी है खाने में? नहीं, 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 कोई परेशानी। किसी दूसरी चीज में दिक्कत है? नहीं। नाम बताइए। कहाँ से हो? खजराना मुर्गी केंद्र। उससे पहले कहाँ से आए हो? यूपी से। यूपी के हो ना? हाँ, यूपी से। कोई भेदभाव कर रहे हैं अपने साथ? नहीं। आपको यहाँ पर मतलब कैसा कुछ खाने वाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? कुछ भी नहीं आ रही है। जाओ जाओ। ये हमारे मुन्ना भाई हैं, खजराना मुर्गी केंद्र। आपका नाम बतलाइए। मेरा नाम शकील और मुन्ना। आपको यहाँ आए को कितने दिन हो चुके हैं? आज दूसरा दिन है। आपको यहाँ पर आने में कुछ भी किसी चीज के खाने में तकलीफ या किसी भी चीज का भेदभाव नहीं हुई है? हम आए शाम को, हमको खाना मिला है, उसके बाद हमको सुबह नाश्ता मिला है, चाय मिली है, दोपहर का खाना मिला, अभी रात का खाना सब मिला। आपको अभी तक इस चीज में कुछ तकलीफ आई है? सब अच्छे हैं यहाँ पे, सब कुछ मिल रहा है, सब रह रहा है। आपको घर की जैसी व्यवस्था मिल रही है कि नहीं? यहाँ सब। नाम बताइए आपका। नाम हुसैन जी। इनके भी कमरे सही में। खाना खा लो। जाओ। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ अंदर, चलो अंदर। ये भी खजराना तंजीम नगर के है, ये सब हमारे साथ ही है, हम सबको लेकर आए। हाँ, खाला आपको कोई परेशानी है यहाँ? कोई बात की परेशानी नहीं है। खाना वगैरह टाइम टेबल से मिल रहा है? सब कुछ अच्छा मिल रहा है। आपके साथ आपके कौन है? दो हमारे तीन लड़के। तीन लड़के हैं आपके? आपको किसी चीज की दिक्कत है? कोई चीज की दिक्कत? इनका रूम भी देखिए सेम। चलो, बात करने के लिए देख ही सकते हैं आप, हम इनके रूम में ला चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहरुख है। आपको यहाँ आए को कितने दिन हो चुके हैं? दो रोज हो गए। आपको यहाँ आने के बाद किसी चीज की तकलीफ या खाने में कुछ परेशानी? कोई तकलीफ नहीं, एक नंबर खाना। हमारे ऊपर फोर्स आया था, जैसे कि हमारे को किसी के जरिए मालूम करा था कि यहाँ पर खाने को जैसे कुछ सुविधा उपलब्ध कम है थोड़ी, तो आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। ये देखिए हमारे भाई यहाँ बैठे हुए, आपको कुछ खाने में परेशानी? ये हमारे सभी भाई है जितने भी आपको देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा है, जैसे कि कोई कह रहता है जिनकी डाइट ज्यादा है, हम उनसे कंप्लेन करते हैं कि इनकी डाइट ज्यादा है, इनको एक्स्ट्रा खाना दिया जाए, तो वो हमको एक्स्ट्रा खाना भी देते हैं। प्लीज, सबसे निवेदन है, सरकार को गलत मत बोलिए, सरकार बहुत अच्छी है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आई एम ए रिक्वेस्ट, कि जो भी अल्लाह नहीं करे, लेकिन जिसके पास पॉजिटिव मिल रहा है, जिसके पड़ोसी को आने को बोले, वो यहाँ डरे नहीं, बेहिचक होकर आए। आपका पूरा समर्थन सरकार कर रही है और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो बहुत अच्छे से खुश है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से सहयोग दिया, हम बहुत बढ़िया है। मेरे साथ जितने भी थे मैंने आपको सबको बताया, हम बहुत अच्छे हैं, हमें कोई यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह हाफिज़।